हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक फॉर बिगनर्स। और ये स्पेशली वीडियो बिगनर्स के लिए जिनको कैंडलस्टिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंड रिवर्स करता है मैक्सिमम टाइम कैंडल के जरिए कुछ वो इंडिकेशन दे देता है। अगर आपने कैंडलस्टिक का स्टडी अच्छे से किए हुए हैं तो आप उस इंडिकेशन को पकड़ लेंगे और वहां से जो मार्केट में आपका लॉस होता है वो लॉस काफी हद तक आप अवॉइड कर पाएंगे। तो कैंडलस्टिक का स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो कैंडलस्टिक स्टडी में सबसे पहले चार चीज पे ध्यान दिया जाता है, जो कि है ओपन, हाई, लो, क्लोज। कैंडलस्टिक का जो क्रिएशन होता है इन्हीं चार चीज के बेसिस पे होता है। कैंडल जो कि वो ओपन कहाँ पे हो रहा, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है और वो क्लोज कहाँ पे हो रहा। तो कैंडलस्टिक में जैसा आप सबको पता होगा दो टाइप्स के कैंडल होते हैं, एक तो बुलिश जिसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं, दूसरा बियरिश जिसको हम रेड कैंडल बोलते हैं। तो बुलिश कैंडल कब फॉर्म होता है? व्हेन द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर होता यानी ज्यादा होता तब वो बुलिश कैंडल फॉर्म होता, और जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से लोअर होता यानी नीचे होता तब वो बियरिश कैंडल बनता यानी रेड कैंडल बनता। तो जैसा कि आप सबको पता बुलिश कैंडल इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बायर्स ज्यादा एक्टिव है, और बियरिश कैंडल इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। तो अब ये सब कुछ हम चार्ट पे देखते हैं लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे हमने जीरोधा का काइट ओपन कर लिया और इसमें हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिए, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट्स का है। तो 30 मिनट्स का टाइम पीरियड है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट्स में एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी ये हर एक कैंडल 30 मिनट्स में फॉर्म होगा। यानी दो कैंडल मिलके 1 आवर का टाइम पीरियड बताता, 4 कैंडल मिलके 2 आवर्स का टाइम पीरियड बताता। तो यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड 1 आवर कर देते हैं, इसका मतलब होगा कि 1 आवर में एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा। 15 मिनट्स करेंगे तो 15 मिनट्स में एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप अपने चार्ट में 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स कोई भी चार्ट टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैंडल पे बताना चाह रहा हूँ जहां पे मेरा कर्सर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्राइस ये है और लोएस्ट पॉइंट भी यही है, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट पे ओपन हुआ, उसके बाद इसमें बायर्स एक्टिव होते गए और जो भी प्राइस ऊपर जाता गया वहां पे बायर्स अवेलेबल थे और बाई करते गए, और जो क्लोज हुआ वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हो गया। यानी इसका क्लोज और हाई दोनों सेम है, इसका ओपनिंग प्राइस और लोएस्ट पॉइंट भी दोनों सेम ही है। तो इस तरह का कैंडल आपको कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको बताते हैं ये वाला ग्रीन कैंडल। तो इस वाले ग्रीन कैंडल में जब आप देखेंगे तो ओपन हुआ है इस पॉइंट पे, अप्रोक्सीमेटली आपको 11,312 पे ही ओपन हुआ। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो करीब करीब है 11,338, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 11,300 करीब, और ये जो क्लोज हुआ है वो हुआ 11,335 पे। तो यहां पे ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होता है? जब क्लोजिंग प्राइस हायर देन द ओपनिंग प्राइस होती है। यहां पे देखिए ओपनिंग प्राइस 11,312 है और क्लोजिंग प्राइस 11,335 है। तो यहां पे क्लोजिंग प्राइस हायर देन द ओपनिंग प्राइस है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम आते हैं एक रेड कैंडल पे। तो यहाँ पे आप इस रेड कैंडल को देख रहे होंगे, ये जो ओपन हुआ है ये इस पॉइंट पे ओपन हुआ यानी 11,324 पे ओपन हुआ। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 11,345 हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो इसका लोएस्ट पॉइंट है 11,274, और ये जो क्लोज हुआ है वो 11,285 पे क्लोज हुआ है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो 11,324 है और क्लोजिंग प्राइस 11,285 है, यानी क्लोजिंग प्राइस लोअर देन द ओपनिंग प्राइस है, इसीलिए ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जितने दूर में ये रेड कलर का दिख रहा है इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला जहां पे सिर्फ लाइन है उसको हम शेडो बोलते हैं, और इसके नीचे भी यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है यानी सिर्फ सिंगल लाइन है इसको हम शेडो बोलते हैं। यहाँ पे भी शेडो क्रिएट हो रहा है और इसके ऊपर भी शेडो क्रिएट हो रहा है। इस वाले में देखें तो यहाँ भी छोटा सा शेडो क्रिएट हो रहा है और नीचे भी शेडो क्रिएट हो रहा, और ये बीच वाला जो ग्रीन जो भी दिख रहा है उसको हम सॉलिड बॉडी बोलते हैं। तो इसमें सॉलिड बॉडी का क्या मतलब हुआ, और ये जो शेडो पार्ट है
जहां पे सिर्फ लाइन है उसका क्या मतलब हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी बेसिक्स ऑफ कैंडल में ही आता है। तो इस कैंडल को सबसे पहले आप स्टडी कीजिए। इस कैंडल में क्या हुआ, इस प्राइस पे ओपन हुआ, उसके बाद ये ऊपर जाता गया ऊपर जाता गया, और ये जो आ गया 11,338 या 39 पे आ गया। लेकिन यहां पे इसको फर्दर बायर नहीं मिला, उसके बाद ये 338-339 से फॉल करते हुए 335 पे, यानी 11,335 पे क्लोज हो गया। मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश किया था इससे और ऊपर, लेकिन वहां पे इसको कोई बायर्स नहीं मिला, वो नीचे आ गया। अब यहां पे देखिए लोएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस प्राइस पे ओपन हुआ, उसके बाद वो ऊपर गया और उसके बाद फिर से ये नीचे आया होगा। जब नीचे आया तो इसके नीचे इसको कोई सेलर्स नहीं मिला, तो इसके बाद जब यहां पे इसको कोई सेलर्स नहीं मिला तो इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया और यहां पे बायर्स एक्टिव हो गए, तो ये प्राइस ऊपर जाता गया। इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में जो इसका ये शैडो पार्ट है वो थोड़ा लंबा है और ऊपर में जो शैडो पार्ट है एकदम छोटा सा, मतलब ये इंडिकेट करता है बायर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब हम इस कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में ये ओपन हुआ है 11,323 के करीब, उसके बाद ये हाई टच किया है 11,344 का, तो यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहां पे इसको 344 तक गया, उसके ऊपर इसको कोई बायर्स नहीं मिला, उसके बाद ये फॉल करता गया, इसके ऊपर कोई बायर्स नहीं मिला, उसके बाद इसमें सेलर्स एक्टिव हो गए और ये प्राइस डाउनफॉल होता गया, बायर्स इसमें निकलते गए, सेलर्स एक्टिव होते गए, तो ये डाउनफॉल होता चला गया। उसके बाद ये डाउनफॉल होते होते 11,274 पे आ गया। जब 274 पे आ गया तो इसमें कोई सेलर्स इसके नीचे नहीं मिला, तो जब सेलर्स नहीं मिला और यहाँ पे बायर्स थोड़ा एक्टिव हो गए, तो उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर गया और ये क्लोज हुआ है 11,265 पे। तो यहाँ पे देखिए, इस रेड कैंडल में ऊपर वाला जो शेडो पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा है और नीचे वाला जो शेडो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको डिफरेंट टाइप का दिखेगा, ये कैंडल आपको डिफरेंट टाइप का है, ये कैंडल डिफरेंट टाइप का, इसमें ऊपर में कोई शेडो पार्ट नहीं है, पूरा सॉलिड बॉडी है, नीचे में हल्का सा शेडो पार्ट है। इस कैंडल में देखिए, नीचे का जो है वो शेडो पार्ट लंबा, ऊपर का शेडो पार्ट थोड़ा सा छोटा है। इस कैंडल में भी नीचे में थोड़ा सा शेडो पार्ट है, ऊपर पूरा सॉलिड बॉडी है, इसमें सॉलिड बॉडी थोड़ा सा है, शेडो पार्ट काफी लंबा है। तो हर एक कैंडल आपको डिफरेंट टाइप्स का दिखेगा, ये हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कह रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हर एक इंडिविजुअल कैंडल जो इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो एक एक करके हम आगे वीडियो में इसको देखते रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें डोजी कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करूंगा, और डोजी कैंडलस्टिक जनरली ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक डोजी है, और डोजी में भी डिफरेंट टाइप्स के कैंडलस्टिक होते हैं, वो सब चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।